लेनी देनी कर रखी इस लड़की ने, चापी की भी हद होती है। काम वाम छोड़ के बस इसी में लगे 2 साल से। फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी से जो रोना स्टार्ट हुआ था ना तेरा, आज तक चल रहा है। माय गॉड, कसम से अगर तू नर्सरी से दोस्त नहीं होता ना तो कब का डिसोन कर दिया होता मैंने। तू इतना कैसे हो गया भाई? प्यार में लोग अंधे हो जाते, ये नहीं हो जाते, मतलब कैसे? मेरी वाली अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। तुझे पता है इस दुनिया के हर चूतिये को लगता है कि उसकी वाली अलग है, और तेरे मुंह से ये अलग है सुन के मुझे यकीन हो गया है कि एल लगने वाली। 24 महीनों में 104 हफ्तों में 102 हफ्ते रिलायंस ने, एक हफ्ता पर साल की खुशी का एवरेज कौन सी रिलेशनशिप में होता है? फिर क्या करूं? खत्म कर। सीटे मैं बता रहा हूँ तुझको, ये लड़की रॉन्ग है। बट मुझे सीरियसली लगता है मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं फिर फंस जाऊंगा लड़कियों के चक्कर में, फिर तू भी रिटेड होता। रिबाउंड एक हफ्ते बाद गुस्से में सेक्स करके होता चूतिया, 6 महीने बाद दुख में शादी करके नहीं। भाई मैं सेक्स के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। तो कर ही क्यों रहा है? चूतिया हो गया। उसने कहा है मुझसे, दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है, तो अब या तो दोस्त जिताएगा या फिर ठीक है। सोनू टीटू भी औरों की तरह 3 महीने में एक बार मिल लिया करेंगे। क्या ये सच्ची, क्या मैं झूठा? बात सिर्फ इतनी सी है टीटू, या तो ये या मैं। ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये मान लो कि मैं सच बोल रही हूं, मैं जिंदगी भर ये सोचू कि शायद वो सही था, या ये मान लो कि वो सच बोल रहा है, फिर जिंदगी भर सोचो कि मैं सही थी। हम 13 साल के थे जब आंटी की डेथ। मैं 3 दिन तक सोनू के पास से हिला तक नहीं था, क्योंकि वो रोया नहीं था। ये सोच के कि ऐसा ना हो कि वो रोया मुझके पास ना हो। 4th दिन रोया था मुझे पकड़ के, खूब रोया, और 3 घंटे तक रोता रहा। मैंने दरवाजा बंद कर लिया था जिसे और के आना पाए। फिर रोते रोते सो गया। उसके बाद से आज तक मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे तू सच्ची चाहे वो झूठा। तो उस दिन बोल देता ना, थोड़े लाखों थोड़ी इज्जत बच जाती। 12 साल बाद अपने हाथ से बनाए हुए लड्डू मेरे अलावा किसी को खिलाए थे? जगवार बुक करा दी थी ऑलमोस्ट मैंने। तू तो रहने दे घसीटे, अकेले लड़ाऊ मैं, तू मजे ले रहा था बस। मेरा ना लाइफ का उसूल है, ये इंसान को कभी मत बताओ कि वो